हेलो दोस्तों, आज हम साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। कई बार बच्चे इसको बनाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सही तरह से फिर भी इस स्ट्रक्चर को नहीं बना पाते हैं। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे बनाएं। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने से पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है C5H10, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर में जो बनता है संरचना ऐसे बनती है। अब इसको हमने बिंदुओं के माध्यम से प्रदर्शित करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन के बिंदु लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए हैं, हमें पता है हाइड्रोजन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, और कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 2 4। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब कार्बन के चारों ओर हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, 4 दिखाने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, देखिए कि डॉट के माध्यम से मैंने किसका शो कर रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शो कर रखा है। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लगभग 10 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब जब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन रखेंगे, हाइड्रोजन का हमने उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन है, एक कार्बन है, इसके चारों ओर हम कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इस वाले हाइड्रोजन के सामने शो करना है, एक इस वाले हाइड्रोजन के सामने शो करना है। ठीक है, बाकी दो हम कहां शो करेंगे, भाई इस कार्बन ने किससे जुड़ना है, इसके साथ जुड़ना है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन के सामने रख दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहां भी उसके ऊपर जुड़ना है तो यहां पे रख दिया। सिमिलर इसके लिए, ये सही था, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 2, तीसरा इसके सामने, इस वाले कार्बन के सामने, चौथा इस वाले कार्बन के सामने। इस कार्बन के लिए 1 2 हाइड्रोजन के सामने रखना ही रखना है। ठीक है, तीसरा इस वाले कार्बन के सामने और चौथा इस वाले कार्बन के सामने। यहाँ पे देखिए 1 2, तीसरा इस कार्बन के सामने, चौथा इस कार्बन के सामने, और इसके लिए 1 2 इस कार्बन के सामने ये हो गया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के सामने ये हो गया। अब इसका हम ऑक्टेट कैसा बनाएंगे, ऑक्टेट कैसा पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम ऑक्टेट इसका पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 अपने हैं, 4 और चाहिए, तो 4 और कौन से लेगा, वो 1 2 3 4, ये हो गया, पांचवा इसका हो गया, छठा इसका हो गया, एक ही ये लेगा 7 और एक ये लेगा 8। तो इसका जो सर्कल बनेगा आपका वो कैसे बन जाएगा, ये देखिए इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन इससे यहां भी जुड़ गया और यहां भी जुड़ गया। सिमिलर इसके लिए भी वही आएगा, इसका ये देखिए आप क्या आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब किसका नंबर है, इस कार्बन का, ये क्या करेगा, 4 इसके अपने हैं, 5 है, एक ये लेगा 7 और एक ये लेगा 8, तो कैसा लेगा ये आप देख लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने कंप्लीट गोल बनाना है, आपने जो गोला बनाना है उसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इस वाले कार्बन के जो गोला बना कार्बन का, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया पूरा। अब बात आती है इस कार्बन की, तो ये कार्बन भी वही आप देखिए, इस हम इस वाले का बनाया था, 1 2 सॉरी ये नीचे तक आएगा, इसलिए तो लेना इसने, इसी तरह से कंफ्यूज हो जाता है बच्चों को भी ये। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इसको नहीं लेता इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। इस वाले इलेक्ट्रॉन तो लिया लेकिन ये जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता। अब इस वाले कार्बन की बारी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा लेगा आपका, ये देखिए इसके अंदर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आप जो साइक्लोपेंटेन है उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि हमने एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा कर लिया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, तो प्रत्येक हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है। ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन वो किसका लेता है, कार्बन का लेता है, और जिस कारण से वो एक अपना और एक कार्बन का लेके मैक्सिमम 2 हो जाते हैं उसमें, और वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन का गोला है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं।